क्या आपके YouTube चैनल पर भी फेक व्यूज़ या फेक सब्सक्राइबर आते हैं? क्या आप भी फेक व्यूज़ या फेक सब्सक्राइबर पाना चाहते हैं? ये सब हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकता। सो हे गाइस, दिस इज अश्विनी सिंह, नाउ यू वॉचिंग टेक्नोमाइंड। दोस्तों, क्या आपको पता है YouTube पर कुछ बड़े चैनल्स जैसे म्यूज़िक चैनल हो गया या कुछ फ़नी चैनल हो गए, ये सब अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं? इनके मतलब वीडियो अपलोड होते ही 1 मिलियन, 2 मिलियन, मतलब 1 घंटे से पहले ही इनके इतने सारे व्यूज़ कैसे चले चले जाते हैं? आपके क्यों नहीं चल सकते? तो ये सब YouTube चैनल्स किसी बड़ी कंपनी को हायर करते हैं कि भाई तुम इतना पैसा ले लो और हमें, जैसे मतलब वो 10,000 रुपये दिए तो उनको 10,000 व्यूज़ और 100-150 सब्सक्राइबर दे दिया जाएगा। तो ये सब होता है पूरा यूट्यूब पर ट्यूटोरियल। भाई अगर तुम हमें पैसा दोगे तो हम तुम्हें फेक व्यूज़ और फेक सब्सक्राइबर दे देंगे। लेकिन बात ये आती है कि ये सब फेक व्यूज़ और फेक सब्सक्राइबर हमारे किस काम के हैं? क्या हमारे चैनल का इसमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा? हमारा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा? इसके लिए यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपके चैनल पर कोई ऐड के थ्रू व्यूज़ आते हैं या उससे कोई वॉच टाइम आता है तो उसका आपको कोई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपके चैनल का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि YouTube ने साफ साफ कहा है कि ऐड के द्वारा आए वॉच टाइम को हम आपके चैनल पर काउंट नहीं करेंगे, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपको मोनेटाइज करना है आपका चैनल, तो सबसे पहले आपको अपने चैनल पर जेन्युइन वॉच टाइम चाहिए, 4,000 घंटे का वॉच टाइम, अगर आप मतलब बिगिनर हैं यूट्यूब पर। तो इसके लिए आपको सबका मतलब यूट्यूब की पूरी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है? आप अपने चैनल पर विदाउट कॉपीराइट वीडियो का भी यूज़ करें, क्योंकि अगर आप कॉपीराइट वीडियो यूज़ करते हैं तो इससे भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये सब फॉलो करें और अपना एक अच्छा चैनल बनाएं, अपना जेन्युइन वीडियो बनाएं। बस आज के लिए इतनी जानकारी बहुत है। आपको हम बता दें कि मेरा फर्स्ट वीडियो है, मतलब फर्स्ट फेस वीडियो है, फेस कैम वीडियो है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़, थैंक यू। थैंक यू।